किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मौसम खबर। आज हम बात करेंगे मौसम के तमाम पहलुओं की, जिसमें बढ़ती गर्मी सबसे बड़ा आज जो चर्चा का विषय है। और कहीं कहीं मौसम परिवर्तित हो रहा है, गर्म हवाएं हैं तो कहीं बारिश की भी संभावना है। मौसम में परिवर्तन लगातार जारी है। इन तमाम सारे पहलुओं पर होगी चर्चा, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आपके स्क्रीन पर बड़ी खबर सबसे पहले देखते हैं। आपके स्क्रीन पर पहली बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। कई जगह गर्म हवाओं की संभावना है, तो पंजाब के इलाकों में कई इलाकों में गर्म हवाओं की संभावना है। अगली खबर है अरुणाचल प्रदेश से, जहां कहीं कहीं होगी भारी बारिश। तो देखें आप, परिवर्तन बिल्कुल विपरीत, कहीं गर्म हवाएं तो कहीं बारिश। केरल की बात करें तो गिने चुने इलाकों में भारी बरसात का अनुमान। तो यहां पर भी केरल में, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत में सबसे पहले मानसून आता है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो छिटपुट हिस्सों में गर्म हवाओं के आसार हैं। ये मध्य भारत की स्थिति है, यहां पर बहुत ज़्यादा गर्म हवाओं की आशंका। कोंकण और गोवा की बात करें तो इक्का दुक्का इलाकों में रहेगा उमस भरा दिन। तो इस प्रकार का कुछ रहने वाला है मिला जुला मौसम। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम में, मौसम खबर में। और अब आपके लिए हम लेकर आए हैं गर्म अपडेट, यानी गर्मी का अपडेट क्या है, जिसे आपको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो चलिए जानते हैं किस क्षेत्र में कितनी गर्मी पड़ रही है और कहां हमें नजर बनाए रखने की जरूरत है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगह गर्म हवाएं और कहीं कहीं रात का मौसम गर्म रहेगा। यहां नजर जरूर बनाए रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये आपने देखा गर्मी का अपडेट। और अब देखते हैं कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। एक बार फिर आपके स्क्रीन पर भारतवर्ष का नक्शा आपको नजर आने जा रहा है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। तो यदि आपका राज्य मौसम अलर्ट में है तो ज़रूर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये देखिए भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों से दर्शाया जाएगा। भिन्न भिन्न तरीके के रंग हैं और इनकी सूचनाएं, इनके सूचक जो है वो अलग अलग हैं। सावधान रहने की ज़रूरत सबसे पहले देखिए केरल में है, और इसके साथ उपमालीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है। इस वजह से यहाँ पर आपको सावधान रहने की जो है हिदायत दी गई है। अब बात करें हम बिहार की, बात करें गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूरी मध्य प्रदेश की, विदर्भ की, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में जो पीले रंग से विशेषकर दर्शाए गए हैं, इनमें सावधान रहने की ज़रूरत है। जिसमें हम बात करें पूरे राजस्थान की और हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं हैं, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्म हवाओं की संभावना है। इस वजह से यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। यदि आप इन राज्यों में हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बाकी जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं उनमें कोई चेतावनी नहीं है, वहाँ पर सामान्य मौसम है। अब देखते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, अगले 48 घंटों में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से। तो ये देखें आप, सभी जो उत्तरी राज्य जिनमें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का समूचा इलाका, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़, इन सभी जगह कहीं कहीं बरसात की संभावना है। इस प्रकार से ये रहने वाला है। यहाँ पर उत्तरी राज्यों में यदि आप निवास कर रहे हैं तो कहीं कहीं बारिश की भी संभावना है। तो बदलता हुआ मौसम यहाँ पर बना हुआ है। ये है मौसम का पूर्वानुमान उत्तरी राज्यों का, जो इस समय आपके स्क्रीन पर आपने देखा। नॉर्थ ईस्ट का रुख करें, देखिए अरुणाचल, असम, मेघालय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है इन सभी इलाकों में। वहीं बात करें हम झारखंड और उड़ीसा की, तो यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि बिहार, गांगी पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा में कई इलाकों में बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार की बात करें, साथ ही हम भीतरी कर्नाटका की बात करें, केरल की और लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर
अधिकतर जगह बरसात की संभावना है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। तो इस प्रकार का जो है मौसम रहने वाला है दक्षिणी राज्यों का। अब बात करें मध्य भारत की, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें, दमन और दीव की बात करें तो इन इलाकों में बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। इस प्रकार का मध्य भारत का ये मौसम का पूर्वानुमान है। अब देखते हैं कि मौसम की चाल क्या रही है पिछले 24 घंटों में। आप देखें कि श्रीनगर, लेह, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में बात करें, आप देखें लगभग सभी जगह जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं और गर्म हवाओं की यहाँ पर जो है एक तरह से दर्ज किया गया है, जबकि कहीं कहीं इलाकों में छुटपुट बारिश भी हुई है। इसके अलावा राजस्थान में भी कई जगह गर्म हवाएं, जबकि कुछ इलाकों में बारिश भी दर्ज की गई है। इस प्रकार की चाल रही है। अब एक बार फिर हम रुख करते हैं नॉर्थ ईस्ट का, तो लगभग नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में बारिश दर्ज की गई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, साथ ही झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के भी कई इलाकों में कहीं पर गर्म हवाएं रही हैं तो कहीं पर बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण का रुख करें हम, देखें अंडमान और निकोबार में जो है बारिश दर्ज की गई है, तेलंगाना में कई जगह बारिश दर्ज की गई है, तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं तेज़ हवाएं, और पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिणी कर्नाटका, इन सभी जगह बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ आप लक्षद्वीप में भी देख सकते हैं कि बारिश यहां पर दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कहीं तेज़ हवाएं हैं तो कहीं बारिश, मध्य प्रदेश का भी कुछ इसी प्रकार का हाल रहा है। विदर्भ में हालांकि तेज़ हवाएं दर्ज की गई हैं, और कोंकण और गोवा की बात करें तो यहां पर भी थोड़ा थोड़ा बारिश यहां पर दर्ज की गई है। इस प्रकार की मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में इन राज्यों की रही है जो हम इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मिला जुला जो है मौसम रहा है पूरे भारतवर्ष में। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए मौसम खबर। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम आगे बढ़ेंगे अपने सेगमेंट में और अब बात करते हैं तापमान की। जैसा कि आप सभी जानते हैं तमाम राज्यों में, तमाम इलाकों में तापमान जो है, पारा जो है बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर नज़र डाल लेना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम ध्यान रख पाएँ कि किन तैयारियों के साथ हमें घर से निकलना है। तापमान का हाल देखते हैं, शुरुआत करते हैं। मौसम में उतार चढ़ाव बने हुए हैं। भीतरी उत्तरी कर्नाटका, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। ये है इन दक्षिणी राज्यों का। अब बात करते हैं कच्छ, सौराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों की, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। इस प्रकार का मौसम रहा है। और अब आपके स्क्रीन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर दिख रहा है, जहां पर सबसे ज़्यादा तापमान पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है, जो कि 48.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। अब देखते हैं न्यूनतम तापमान की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल की बात करें, गिलगित के इलाके की बात करें तो यहां पर सामान्य की तुलना में जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, जबकि हम अभी न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर उत्तराखंड, देवभूमि की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अब देखें नज़र डालते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा के इलाकों पर, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में जो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की दृष्टि से हम यहाँ भी बात कर रहे हैं। गुजरात में बात करें तो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अब आपके स्क्रीन पर देखें बिहार का मोतिहारी शहर दिख रहा है, जहाँ सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो कि 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो ये है जो है तापमान की, जो है तापमान का हाल हमने देखा तमाम शहरों के। अब और हम जो बाकी शहर रह गए हैं उन तक भी आपको लिए चलते हैं, ग्राफिक के जरिए देखते हैं तमाम शहरों के तापमान का हाल, जिसमें उनका अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। We'll be right back.
तो ये देखा आपने भारतवर्ष के तमाम शहरों के तापमान का हाल, जिसमें उनका अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल था। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए मौसम खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं AQI की, अर्थात एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि मौसम में परिवर्तन तो लगातार बना ही हुआ है, ऐसे में हम किस हवा में, किस स्तर की हवा में सांस ले रहे हैं, तमाम शहरों को हम यहां पर लेकर आते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर AQI यानी कि वायु की गुणवत्ता क्या रही है तमाम शहरों की, जिनकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर देखते हैं सबसे पहले राजधानी दिल्ली, जहां पर 162 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दिखाई पड़ रही है। यह है राजधानी दिल्ली की आबोहवा। लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी, 282 यहां पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में नजर आ रही है, जैसा कि आपने देखा। पटना की बात करें, 329 यहां पर और ज्यादा खराब वायु की गुणवत्ता, जो कि खराब श्रेणी में दिखाई पड़ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगला शहर है बेंगलुरु, जहां पर 70 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में है, ऐसी हवा में बेंगलोर वासी फिलहाल सांस ले रहे हैं। पुणे की बात करें तो 93 यहां पर वायु की गुणवत्ता है, जो कि अच्छी श्रेणी में है, इसे भी अच्छा जो हम देख पा रहे हैं, ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं पुणे के निवासी। हैदराबाद की बात करें तो 140 यहां पर वायु की गुणवत्ता, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल नजर आ रही है, जो हम देख पा रहे हैं। कोलकाता की बात करें तो यहां पर 97 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं और अगले शहर का रुख करते हैं, जो कि है मुंबई, यानी कि आर्थिक राजधानी देश की। यहाँ पर 79 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता, जो कि अच्छी श्रेणी में है, 79, जैसा कि हमने देखा। अहमदाबाद की बात करें तो 91 यानी कि 91 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में बनी हुई है। तो इस प्रकार की वायु की गुणवत्ता इन तमाम शहरों की। अब बात करते हैं पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, अगले 4 दिनों की बात करने जा रहे हैं। रविवार को मौसम साफ है, धूप खिली हुई है, हालांकि सोमवार से बुधवार तक हल्की बदली छाई हुई है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 29, 28 और 26 के आसपास, जबकि न्यूनतम 14 पर नियत बना हुआ है 3 दिन तक, हालांकि बुधवार को 1 डिग्री का इजाफा न्यूनतम में होता दिख रहा है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है श्रीनगर का, आप सबकी पहली पसंद, हम सैलानियों को जानते हैं श्रीनगर उनकी पहली पसंद होता है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो देखें, यहाँ पर रविवार को मौसम में परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है, गरज चमक के साथ हल्की बौछार, हालांकि उसके बाद फिर परिवर्तन, यानी गर्म हवाएं, बहुत ज़्यादा मौसम गर्म होने की संभावना। तापमान देखें आप 43-44 अधिकतम, न्यूनतम पर नजर डालें तो राजधानी दिल्ली में 30-31 के आसपास तापमान रहने की संभावना है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा गर्म दिल्ली यहाँ पर रह सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की संगम सिटी की बात करें तो रविवार को हल्की बारिश की संभावना, जबकि सोमवार से बुधवार तक मौसम साफ है, सूरज दिख रहा है खिला हुआ। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 44-43 के आसपास, वहीं न्यूनतम पर नजर डालें तो 31-30 के आसपास रहने की संभावना है। तो प्रयागराज में भी मौसम गर्म रहने की संभावना है अगले 4 दिनों का। ये है पर्यटन पूर्वानुमान इस संगम सिटी का। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, तो यहाँ पर रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन बारिश की संभावना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 24-25 के आसपास, हालांकि 25 पर नियत है सोमवार के बाद, और न्यूनतम पर नजर डालें तो 16-17 पर। तो ये कहा जा सकता है कि पर्यटन की दृष्टि से ये इस समय जब आप गर्मी के स्ट्रोक झेल रहे हैं, उसमें ये एक आपके लिए पसंदीदा स्थल हो सकता है पर्यटन की दृष्टि से। अब बात करते हैं नागालैंड की, कोहिमा की, तो यहाँ पर भी चारों दिन जो है रविवार से लेकर बुधवार तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। अधिकतम तापमान दार्जिलिंग के ही जैसा 25-26 के आसपास,
और न्यूनतम पर नजर डालें तो 15-16 के आसपास बना हुआ है। तो इस प्रकार का कोहिमा का पर्यटन पूर्वानुमान नागालैंड का ये शहर जो हम इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड के की राजधानी कोहिमा की। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उस शहर का रुख करते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा की बात करते हैं। यहाँ पर बारिश की संभावना चारों दिन रविवार से लेकर बुधवार तक नज़र आ रही है। हालांकि तापमान 40 के ऊपर दिख रहा है, 42, 41, 40 के आसपास, और न्यूनतम पर नज़र डालें तो 31 और 30 के आसपास तापमान रहने की संभावना है। तो ऐसे में गर्मी हो सकती है लेकिन बारिश की चूंकि संभावना नज़र आ रही है तो उमस का सामना आपको यहाँ पर विजयवाड़ा में फिलहाल करना पड़ सकता है। कुछ टाइम की बात करें केरल के, तो यहाँ पर चारों ही दिन रविवार से लेकर बुधवार तक बारिश की संभावना। तापमान देखें यहाँ पर 32 के आसपास बना हुआ है, बुधवार को और 2 डिग्री की जो है यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। न्यूनतम पर नज़र डालें तो 24 पर नियत है। तो पर्यटन की दृष्टि से कुछ टाइम का जो तापमान है वो आपके लिए अनुरूप जो है एक तरह से कहना चाहिए अनुकूल हो सकता है, इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान कुछ टाइम का। अगले शहर का रुख करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो सोमवार और रविवार को देखें हल्की बदली है, जबकि मंगलवार और बुधवार को बारिश की संभावना। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 29 और 28 के आसपास, जबकि न्यूनतम 20 पर नियत बना हुआ है और 1 डिग्री की और गिरावट नजर आ रही है बुधवार को। तो इस प्रकार का महाबलेश्वर का पर्यटन पूर्वानुमान यदि आप महाबलेश्वर जाना चाहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अच्छे मौसम के लिए वो जाना जाता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की, तो यहाँ पर आप देखें कि धूप जो है चटक रही है कहना चाहिए, रविवार से लेकर बुधवार तक मौसम साफ, तापमान 45 के आसपास, 43 और 44 इस प्रकार का अनुमान, और न्यूनतम पर भी नज़र डालें तो 31 और 32 के आसपास होने रहने की संभावना है। तो ऐसे में जो खजुराहो जाने वाले पर्यटक हैं वो इस हीट से बचने के लिए ज़रूर आप तैयारी रखें। राजस्थान के जोधपुर की बात करें तो हल्की बदली रविवार को, उसके बाद मौसम साफ, सूरज खिला हुआ है। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की, 42 पर नियत है, 43 होने की संभावना बुधवार को, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 31 और 30। तो जोधपुर भी बहुत गर्म शहर रहने वाला है, इस प्रकार का यहाँ पर पर्यटन पूर्वानुमान जो हमने देखा। इन तमाम शहरों की हमने बात की, यदि आप इनमें से किसी भी शहर की यात्रा करना चाहते हैं तो हमारा जो पर्यटन पूर्वानुमान है उसे ज़रूर अपने ध्यान में रखें। अब बात करते हैं खेती किसानी की, और खेती किसानी के विषय में जो हमारी रिपोर्ट है वो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे जो एआई एंकर हैं कृष, वो आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान, मैं हूँ एआई कृष, और आज हम बिहार और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार में किसान मक्के की कटाई कर सकते हैं, इसके साथ किसान मूंग की कटाई भी कर सकते हैं। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें और मूंग के खेत में निराई करें। यहाँ बैंगन के खेत की देखभाल भी करते रहें, इसके साथ ही धान की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। वहीं जूट के खेत में निराई कर सकते हैं, जूट के खेत से खरपतवार निकालें और जूट की बुवाई करें। बिहार में आम के बागों की देखभाल करते रहें, इसके अलावा प्याज के खेत में सिंचाई करें। किसान भिंडी के खेत में निराई करते रहें और साथ ही कद्दू के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। बिहार के किसान करेले के खेत से घास फूस निकाल लें और खेत में सिंचाई करते रहें। बात करें झारखंड की, तो यहां किसान मूंग की बुवाई कर लें, मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं फूल गोभी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय फूल गोभी में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फूल गोभी में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान पत्ता गोभी के खेत में भी सिंचाई कर लें। पत्ता गोभी में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से पत्ता गोभी में कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा अभी हल्दी की बुवाई का समय उपयुक्त है, झारखंड में धान की रोपाई कर सकते हैं। धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये देखिए आपने खेती किसानी पर आधारित हमारी रिपोर्ट, और अब आज की फसल की बात करते हैं जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं लौकी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत ही ज्यादा पसंद की जाने वाली सब्जी, और यदि हम अपनी सेहत की दृष्टि से बात करें तो इसके जो तत्व हैं, जैसा कि सब्जी के लिए तो ये उपयुक्त है ही, साथ ही साथ इसका जूस भी हमारे लिए काफ़ी लाभकारी होता है। लौकी पर आधारित है हमारी आज की फसल की रिपोर्ट, आइए देखते हैं।
लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए एक हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। एक हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और NCR के लिए है। एक हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए आपने लौकी पर आधारित हमारी रिपोर्ट और इसके अलावा तमाम और पहलुओं पर हमने जो चर्चा की है। फिलहाल आज के मौसम खबर में इतना ही। आप हमारा ये जो कार्यक्रम है, पूरा आज का कार्यक्रम आप YouTube पर भी सरलता से देख सकते हैं। हमारा चैनल DD किसान वहाँ पर उपलब्ध है और आप जो है आज का ये कार्यक्रम भी वहाँ पर देख सकते हैं, तमाम पहलुओं पर हमने जो चर्चा की है। इसके अलावा भी आप तमाम हमारे कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए। आप चाहें तो हमारा एक QR कोड भी है, आप उसे स्कैन कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें आपके स्क्रीन पर ये QR कोड यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और DD किसान चैनल पर आप हमारा आज का ये कार्यक्रम देख सकते हैं। तो फिलहाल मौसम खबर में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।